तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या खबर, मुझे तो रहता है वीडियो बनाने का सबर तो नहीं रहता बाबू, क्योंकि मैं आज फिर से एक नई हॉन्टेड लोकेशन पे आया हूँ। आपको शायद दिख भी रही होगी पीछे। पहले आपको टाइम दिखा देता हूँ। वैसे सच बताऊँ, टाइम दिखाने का कोई यूज़ नहीं लगता, क्योंकि इतनी बजे रात को मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं लगता मुझे। बट स्टिल गूगल टाइम इन इंडिया आपके सामने 1:06। फोकस नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, फोकस बन जाएगा। नहीं बन रहा अभी, बीच में दबाओ थोड़ा सा, फोकस बन गया। अब फिर से टाइम देख लो, रिफ्रेश हो रहा है। 1:06 पे बहुत हॉन्टेड लोकेशन, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा, जिन लोगों ने मुझे कहा है उनकी गिनती शायद 10 लोगों की आती है। चलो थोड़ा इधर आ जाते हैं। मुझे 10 लोगों ने बोला, मिनिमम शायद मेरे हिसाब से 10 लोगों ने मुझे ये बोला कि ये एक हॉन्टेड रोहतक में हाईवे पे बहुत बड़ा रिजॉर्ट है जो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। मैं जस्ट अभी आया हूँ यहाँ पे, घर से निकला था करीब 12 बजे, 1:10 में मैं आ चुका हूँ। और आने से पहले मैं सच बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपको, मैंने इस लोकेशन पे ना थोड़ा अंदर जाने की सोची और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सोचा भी कि कैसे आज इसको मैं लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करूँगा, बट उसका कोई यूज़ नहीं लग रहा था। आपको दिखाता हूँ क्यों। ये रिजॉर्ट, एक रिजॉर्ट है ये काफ़ी बड़ा, आप ऊपर तक देख लो, काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है। और यहाँ पे भी देख सकते हो, इसे देख के आपको पता चल रहा हो कि कितना पुराना है ये रिजॉर्ट। तो अंदर की तरफ आ जाओ। ये पूरा रिजॉर्ट पेड़ों से और झाड़ियों से बिल्कुल घिरा हुआ है। आज मैं EMF भी लेके आया हूँ, बट कई लोग चाहते नहीं है कि मैं EMF यूज़ करूँ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि आप मानते नहीं थे भूत होते हैं, नहीं होते। पहली बात तो मैं भूत कभी बोलता ही नहीं था। कई लोगों का ये कहना है कि आप EMF जब से लाए हो आपको लगता है ऐसा है। यार अगर मैं ये लाया हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से लाया हूँ, टेक्निकली मैं सिर्फ आपके लिए चला हूँ। मैं काफ़ी वीडियोस में बोलता हूँ और आप प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस देखा करो जिससे आपको पता चले। तो जब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, ये एक हॉन्टेड रिजॉर्ट है जो पूरा क्लोज्ड है। यहाँ पे एंटर करने का रास्ता भी नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पूरा एरिया बिल्कुल बंद है। यहाँ पे देखो, आपको एक पास में जाके देखो, वो देखो वो बांध रखा है इसको कि कोई एंटर ना कर सके। और मैंने यहाँ पे अभी देखा था, ट्राई करने की कोशिश करी थी, नीचे भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मैं घुस सकूँ, बट आगे की तरफ बिल्कुल गड्ढा है काफ़ी बड़ा, जिसकी वजह से मैं जा नहीं सकता। और इस तरफ आते हैं थोड़ा सा, ये भी बिल्कुल एरिया बिल्कुल क्लोज है। शायद आपको रात को नहीं दिखेगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिन में ये एरिया पूरा दिखाऊँ। इधर आ जाए, ये दिखाओ एक बार पूरा। अब शायद आपको पता चल रहा होगा ये कितनी बड़ी बिल्डिंग और कितना बड़ा रिजॉर्ट है। इस तरफ आ जाओ, आप देख सकते हैं इसको पूरा क्लोज कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारी डेथ हो चुकी है। बताते हैं, जब ये चल रहा था तब इतनी ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं, कई सुसाइड हो चुके हैं इसके अंदर। जो भी मुझे यहाँ पे हरियाणा में रोहतक वाले लोगों ने मुझे बोला, मैंने उसको बोला। कई लोग होंगे जो इस बात को नकारेंगे, अगर वो नकारेंगे तो कमेंट करें, बट प्लीज़ ये ना बोलना कि हॉन्टेड नहीं है। यार अगर मुझे 10 लोग भी बोल देंगे तो मैं इसको एक ऐसी लोकेशन समझूंगा। अच्छा चलो, अगर ये ठीक लोकेशन है तो ये बंद क्यों है? किसी का फ़ोन आ रहा है। चलो इसका फ़ोन आ रहा है, खैर आकाश का। तो अगर ये लोकेशन सही होती, सही मायने में, तो इतनी बंद ना होती। आप देख सकते हैं कि कैसे क्लोज कर रखा है। थोड़ा सा पास आओ, आप देख सकते हैं यहाँ से भी ये बंद कर रखा है, इधर भी ये बंद कर रखा है। और ये देखो, ये गेट, पास आओ, ये गेट खुला नहीं है क्योंकि ये लॉक कर रखा है। कैसे लॉक कर रखा है मैं दिखाता हूँ आपको। इधर दिखाना, थोड़ा सा पास की तरफ आना, नीचे की तरफ देखो। यहाँ पे इस पूरे
वुडन के जो भी हैं डंडे गिर रखे हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर गेट खोल के भी नहीं जा सकते, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये नहीं चलाऊँगा क्योंकि जब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है चलाने का। और मैं शायद ये वीडियो अभी ही अपलोड कर दूँगा रॉ, बिल्कुल विदाउट एडिटिंग। और अब ये देखो एक बार, कितनी बड़ी लोकेशन है, कितनी बड़ी लोकेशन है आराम से। कोई लोग चाहते हैं ना कि अगर मैं अंदर जाऊं तो भी नहीं जा सकता, इधर आओ। इसको देखो, अंदर जाना बड़ा मुश्किल है। तो इसे शूट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और कोई फायदा भी नहीं है इसको शूट करने का। बट मैं कोशिश करूंगा मैं इसको दिन में दिखाऊं। मैंने काफ़ी जगह पूरा राउंड सर्कल मार के ट्राई किया था, बट ये मेन हाईवे पे है तो पुलिस का डर रह सकता है। और रात को मैं भी अपना घर छोड़ के आता हूँ, तो आई होप आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल होता होगा कि अपने घर को छोड़ के आके इतने ज़्यादा रिस्क लेना। तो बस यही है। और AMF के लिए आपने काफ़ी टाइम से मना कर रखा है, आप मत जलाओ, मत यूज़ करो एक्चुअली, तो इसलिए मैं शायद इसको नहीं यूज़ करूँगा। और पहली बात, मैं अंदर नहीं हूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत ज़रूर मानता हूँ कि देख लो, 1:15 शायद 6 मिनट पहले दिखाया था, जो भी है पता नहीं, शायद मेरे ऊपर नीचे 2 मिनट का फासला ज़रूर होगा। इतने बजे आके रात को ये लोकेशन शूट करना बहुत मुश्किल है। अंदर की तरफ देखना, पूरा अंदर की तरफ आप देख लो एक बार कि कैसे बना हुआ है। रास्ता भी नहीं है जाने का कहीं से कहीं भी, पूरा क्लोज कर रखा है, छोड़ दिया इसे, आधा बना हुआ है आधा बंद है। क्योंकि यहाँ पे देखो, सामने देखो आप के कैसे बिल्कुल क्लोज कर रखा है। और दो बंदे रात को आए तो कितना मुश्किल होता हो आपके लिए, आप ये समझ ही सकते हैं। इसे पकड़ना ज़रा, और थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको फिर भी। एक ये इसका गेट है जो बिल्कुल बंद है काफ़ी सालों से, थोड़ा सा पास आ जा, ये भी काफ़ी सालों से बंद है गेट, बिल्कुल आपको देख के पता भी चल रहा होगा। और ये वो जो सिक्योरिटी गार्ड रूम्स होते हैं, जो एंट्रेंस होती है, ये पूरा ऊपर देखो, ऊपर की तरफ, और ये भी बंद कर रखा है। अब थोड़ी सी ना लाइट पूरी मार के इनको एक बार लोकेशन दिखा दे, कुछ लोग समझ जाएंगे। पूरी आ रही लोकेशन? तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा रिजॉर्ट है, रेस्टोरेंट है, पूरा बंद कर रखा है ये कई सालों से, बहुत सारी यहाँ पे डेथ्स हो चुकी हैं। बाकी यहाँ पे मैं AMF यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहली बात अंदर नहीं हूँ, दूसरी बात आप लोगों ने मुझे मना किया हुआ। और अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना। हाँ, कोशिश करूँगा मैं दिन में लोकेशन आपको ज़रूर दिखाने की, अगर मैं कहीं से एंटर कर पाया तो, क्योंकि सारी तरफ से रास्ते बंद हैं, उस तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। तो बस मैं इस वीडियो को ना यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आई हो, लाइट भी शायद बंद हो रही है यहाँ पर बार, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम स्नैपचैट फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सचतिवारी अब सचतिवारी नहीं है क्योंकि आप सागर तिवारी बनाना चाहते हो। अगर सागर तिवारी होगा ना तो उसे कहीं पे भी कुछ एक्टिविटी फील नहीं होगी, क्योंकि मैं AMF यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे कुछ फील होगा नहीं। अगर होगा तो शायद 100 में से 1 जगह पे जहाँ मैं आपको अपना डर दिखा सकता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।